गुनाह दुनिया में आया, जिसकी मजदूरी मौत है। शरीयत के मुताबिक बनी इसराइल को अपने गुनाह के कफारा की कुर्बानी देना पड़ती थी। खुदा ने, जो हमसे प्यार करता है, वक्तन फवक्तन अपने बंदों के वसीला से एक मुनजी को भेजने का जिक्र किया और तमाम पेशन गोयाँ पूरी हुई। आए मिलकर आज इस मुनजी की आमद का मंजर देखते हैं। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना, वो बुजुर्ग हो और खुदा ताला और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप से देगा और वो यकूब के अब तक बाप और उस ना। ये क्यों कर होगा? रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब वो जो बांझ के लाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होंगे। देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मुबारक है मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। मेरी जाहें करती बड़ाई खुदा की, मेरी जाहें करती बड़ाई खुदा की, खुशी उसने मेरी है रूह को अदा की, मेरी जाहें करती बड़ाई खुदा की। एक बार वर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलियत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादवानी खुदावंद के खौफ में होगी। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को
उनके गुनाहों से निजात देगा। क्या वाकई खुदा मुझसे हम कलाम हुआ? हाँ, मैं जरूर खुदा की मर्जी को पूरा करूंगा। ये पहली इसम नवीसी सूर्या के हाकिम कॉर्नियस के अहद में हुई और सब लोग अपने अपने नाम लिखवाने अपने अपने शहर को गए। हम तीन का अच्छा होगा, उसमें मैं भी हूँ ना। चलो, now your turn। सुनिए जनाब वाला, क्या कहता है मुनादी वाला? मुनादी सुनिए गौर से, फिर जाकर कहिए किसी और से। कैसर ऑगस्टस का फरमान है कि तमाम लोग अपने अपने नाम लिखवाने अपने अपने शहर को जाएं, ताकि लोगों के शुमार का तखमीना लगाया जा सके। हुक्म की फौरी तामील हो। घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम थी जो हामला थी नाम लिखवाए। जनाब, हमें फौरी मदद और रहने की जगह दरकार है। जनाब, मदद तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सराय में रहने को कोई जगह बाकी नहीं है। जनाब, मेरी बीवी की हालत नासाज है। मालिक, सराय में तो जगह नहीं है। जनाब, हम माजरत चाहते हैं। जनाब, मेरी बीवी की हालत नासाज है। लेकिन इस वक्त सभी जान बाहर खुले में हैं, मैं देख कर आता हूँ। अगर इन्हें कबूल हो तो क्या मैं बारे में जगह तैयार करवा दूँ? जी, बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी मुश्किल भी हल हो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम इन्हें ज़रूरत का सामान मुहैया कर दो और बड़ी बी को बुला लो और इनके साथ भेज दो। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये भेड़िये चांद कितना शोर क्यों मचाने लगी? जाओ जल्दी जाओ, कर देखो कोई भेड़िया तो नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हेलो,
ओ आदमी बाला पर सदा आतम जी दे खुदा, जमीन पे वो जिनसे खुश है उन सब में हो सुरा। हम चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खबर खुदावन ने हमें दी है, चल कर देखे। आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। और वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यसू को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और हम्द करके कहा, अब तू अपने खादम को अपने कॉल के मुताबिक सलामति से रक्षित करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उनको के रूबरू तैयार की है, जिस जो तूने ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला लोग और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। देख, ये इसराइल में बूटों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है, जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान तलवार से छिन जाएगी, ताकि गैर कौमों को बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। सभा और सिबा के बादशाह हदिये लाएंगे, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगु होंगे, कुल कौमें उसकी मती होंगी। यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी यरूशलेम से पूरब में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम पूरब से उसका सितारा देखकर उसे सिजदा करने आए हैं। जान की ये मान पाओ तो हुजूर अपनी तशरीफ आरवी का मकसद बयान करें। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? हम पूरब से उसका सितारा देखकर उसे सीधा करने आए हैं। हुजूर इस तरह
आज की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर, दूर जिस सल्तनत के बादशाह आपसे मुलाकात के मुंतजर हैं। बादशाह, ठीक है, शाही मेहमान हाजिर हो। यकीनन आपकी आमद हमारे लिए सुलह और सलामती की उम्मीद है। जी जनाब, हम कई महीनों के तवील सफ़र के बाद एक सितारे की रहनुमाई में यहाँ पहुँचे हैं। सितारे की रहनुमाई में? क्या आप इल्मे नजूम से भी वाकिफ हैं? जी जनाब, हम पूरब से एक सितारे की रहनुमाई में उस बादशाह को सीधा करने आए हैं जो पैदा हुआ है। बादशाह? पर हमारे यहाँ तो कोई बादशाह पैदा ही नहीं हुआ, और इस सल्तनत यहूदिया के बादशाह तो हम हैं। मौजी सरदार काहिन और माहिर नजूम हाजिर हो। जनाब, पाक सहीफे इस बारे में क्या कहते हैं? जनाब, पाक सहीफों के मुताबिक यहूदिया के बैतलहम में मीका नबी यूँ बयान करते हैं, लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगर सा तू यहूदिया के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और उसका मजदर जमाने साबर, हाँ कदीम उलयाम से है। हजूर, जो बात मेहमान बादशाह कह रहे हैं वो बात सच और बरहक है। इल्मे नजूम के मुताबिक फलक पर एक रोशन और चमकदार सितारा नमूदार हुआ है जो किसी अजीम बादशाह की पैदाइश की इलामत है। उम्मीद है मौजी सरदार काहिन और माहिर नजूम की रहनुमाई आपके लिए मददगार साबित हुई है। बेशक, अब आप जाएं और उस बादशाह के बारे में मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त करें और हमें भी इतला दें ताकि हमें भी उस बादशाह को सिजदा करने का शर्फ हासिल हो। हजूर, जान की मान पाऊं तो हजूर के अलावा कोई और बादशाह इस फितना को बढ़ने से पहले ही खत्म करना होगा। Oh,
खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आने वाले तमाम हाजरीन को नीति से सलाम। शलोम चर्च क्वायर की रिवायत है कि हर क्रिसमस पे ईस्टर पे नया गीत बनाती है, तो खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि हमने गीत नया तैयार किया और जो कि चंद दिनों के बाद आपको सारे चैनल्स पर नज़र आएगा, आइजिक पे, बरकत पे, क्योंकि उसका वीडियो भी आज बन गया है। तो हम खुदा के इस बात के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। तो आप हमारे साथ इस गीत में शेयर कर सकते हैं, नहीं तो तालियां बजाकर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। के चर्चे
Thank you.
जाया
एक दफा अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और मैं चाहूंगी कि जब मैं गाऊं तो आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों अपनी तालियों के जरिए, और अगर आपको मेरे लिरिक्स समझ में आए तो आप इसको गा भी सकते हैं मेरे साथ। हालेलुया। मेरा रे आज रात आई।
शुक्रगुजार हूँ। जो है वो हमारा यीशु है। किसी को केक देना, किसी को गिफ्ट देना, ये हमारी आपस की खुशी है। लेकिन जिस लाइफ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। सबकी सलामती हो।
और खुदावन के बेहद शुक्र गुजार हूँ कि खुदावन ने यह मुमकिन किया कि आज के इस खूबसूरत शाम का खुदावन ने मुझे हिस्सा बनाया और मैं आपके साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तुति और क्रिसमस की इस खूबसूरत सेलिब्रेशन आपके साथ मिलकर मना सकूँ। और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और शुक्र गुजार हूँ अंकल सैनिक सनी भाई की, उनकी पूरी टीम की, जिन्होंने आज मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच।